इमामवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जबरदस्ती मारपीट और लूट का मामला उजागर हुआ है, जहां वर्धा से आए यात्रियों को टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक और कर्मचारियों ने गुमराह किया और उनसे पैसे भी लूटे। दरअसल कल दोपहर 3 बजे के दौरान फिरादी अनिल कुमार शिव कुमार निषाद उम्र 18 वर्ष जो चांदामिट्टा तालुका परासिया जिला छिंदवाड़े का निवासी है, वह अपने कार्यस्थल वर्धा से अपने गांव जाने के लिए बस से गणेशपेट बस स्टैंड पर अपने 2 मित्रों के साथ आया। गौरतलब है कि अनिल वर्धा के एक कंपनी में काम करता है और अपनी शादी के मौके पर वह गांव जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह गणेशपेट बस स्टैंड से बाहर आया वैसे ही एक ऑटो रिक्शा चालक जिसका नाम प्रीतम विश्वनाथ गटले उम्र 27 वर्ष बताया जा रहा है, वह अनिल के पास आया और उससे पूछताछ की, साथ ही साथ एक अच्छे यात्रा एजेंसी से सस्ते दामों में टिकट करा देने का दावा भी किया, जिसके चलते अनिल ने भी उस पर विश्वास किया और उसके साथ इमामवाड़ा परिसर स्थित शांति प्रेम टूर्स एंड ट्रैवल्स के कार्यालय में आया, जहां टिकट के विषय में टूर्स एंड ट्रैवल्स का मालिक रशीद शेख रफीक शेख उम्र 34 वर्ष ने अनिल से बातचीत की, लेकिन वाजिब दाम से ज्यादा टिकट होने के कारण अनिल ने बस से जाने से इनकार किया। यह बात रशीद को रास नहीं आई और उसने अपने कर्मचारी शुभम प्रशांत नगराई उम्र 30 वर्ष लॉकमार चौक इमामवाड़ा नागपुर निवासी, गुलाम शाबिर शेख उम्र 32 वर्ष आजाद कॉलोनी उमरेड रोड सक्करदरा नागपुर निवासी, पंकज मंगललाल यादव उम्र 22 वर्ष बोलवई कला पोस्ट शाहपुर जिला रीवा वर्तमान निवास शांति प्रेम टूर्स एंड ट्रैवल्स नागपुर निवासी, आकाश नामदेव खोबरा कड़े उम्र 46 वर्ष एवं एक फरार आरोपी इनके साथ मिलकर फिरादी और उसके दोस्तों से मारपीट की और अनिल की जेब से 700 रुपए कैश और दूसरे मित्र की जेब से उसका मोबाइल फोन निकाल कर उससे जबरन पासवर्ड पूछकर मोबाइल फोन से 2000 रुपए निकाल लिए तथा फिरियादी एवं उसके मित्रों के साथ गाली गलौज की और आकाश नामदेव खोबराकड़े ने ऑटो में बैठा कर मध्य प्रदेश बस स्टॉप पर लेकर आया और जबरन छिंदवाड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया, जिसके बाद फिरियादी ने इमामवाड़ा पुलिस थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके संज्ञान पर लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तो एक फरार है। इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत फिरियादी अनिल कुमार शिव कुमार निषाद राहणार छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, हे वर्धा येथे एका स्टोन क्रशरवर काम करतात आणि ते काल दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी आपल्या मूळ गावी परत जाण्यासाठी इतर 2 मित्रांसह वर्धा ते नागपूर खाजगी बसने आले आणि नागपूर येथे बैद्यनाथ चौक या ठिकाणी उतरल्यानंतर ते पुढील बसमध्ये जाण्याकरिता बस स्टँडकडे जात असताना त्यांना यातील आरोपी आकाश खोबरागडे ऑटो चालक याने मी तुम्हाला बस स्टँडला सोडून देतो असं म्हणून स्वतःच्या ऑटोमध्ये बसवला आणि ग्रेट नॉक रोडवरील शांतीप्रिय टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स या कार्यालयामध्ये घेऊन आले। या कार्यालयामध्ये ऑलरेडी हजर असलेला टूर्सचा मालक आणि इतर आरोपी यांनी मिळून त्यांना जास्तीच्या पैशाचं तिकीट ऑफर केला, त्यांनी मना केला असता त्यांना मारहाण करून तुम्हाला एवढे पैसे द्यावंच लागतील असं म्हणून त्यांच्याकडून जबरदस्ती नगद रक्कम 700 आणि फिर्यादीच्या मित्राच्या मोबाईलवरून त्याचा मोबाईल हस्तगत करून त्यांना जबरदस्तीने पासवर्ड विचारून ऑनलाईनद्वारे असे 2000 असे एकूण 2700 रुपये त्यांनी जबरदस्तीने त्यांच्याकडून हिसकावून घेतले आणि परत एका दुसऱ्या ऑटोमध्ये बसवून त्यांना वेगवेगळ्या रोडने भरून फिरवून एका निश्चित ठिकाणी सोडून दिले। त्याच्या मागचा उद्देश असा आहे की तो फिर्यादी परत यांच्या टूर्स ट्रॅव्हल्सचा शोध घेत परत येऊ नये किंवा पोलिसाकडे तक्रार दिली तर आरोपीची ओळख निष्पन्न होऊ नये यासाठी त्यांनी त्यांना दूर नेऊन सोडून दिलेले होते। सदरची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर फिर्यादीसह पोलीस स्टाफने घटनास्थळी भेट देऊन टूर्स ट्रॅव्हल्सच्या कार्यालयातून व इतर जे ऑटो चालक सहभागी आहेत असे एकूण 7 आरोपी रात्रीच गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेले आहेत आणि आज रोजी माननीय न्यायालयासमोर प्रोड्यूस करून पुढील तपास करण्यात येत आहे। नागपूर विदर्भ के यात्रियों के लिए केंद्र की भूमिका निभाता है। आसपास की कंपनी में काम कर रहे युवक जो छोटे शहर से आकर अपने उदर निर्वाह के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों से नागपुर शहर की गरिमा को ठेस पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जिसके वजह से सुरक्षा इंतजाम कड़े करने की आवश्यकता आन पड़ी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डेमरे की रिपोर्ट।